नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दीपावली पर मोदी सरकार ने महंगाई से कुछ राहत का तोहफा दिया। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इसके बाद कई राज्यों ने वैट भी कम किया। हालांकि इस पर सियासत नहीं थमी, विपक्षी दलों वाले राज्य वैट घटाने में हिचक दिखा रहे हैं। विपक्ष कटौती को नाकाफी और चुनावी हार से जोड़कर सरकार को घेरने में लगा है। लेकिन यह भी साफ है कि बेकाबू महंगाई में 5 रुपए की राहत भी बड़ी नजर आ रही है। बीते कुछ महीनों में देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिन पेट्रोल डीजल कीमतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और जिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही थी, उस पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। एन दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई। इसके बाद महानगरों से लेकर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गई। केंद्र की पहल के बाद एनडीए के राज वाले राज्यों ने भी वैट कम किया। इससे जनता को राहत की डबल डोज मिली। विपक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहा था, लेकिन फिलहाल उसके हाथ से ये मुद्दा छिनता दिख रहा है। उधर बीजेपी इसको बड़ा और राहत भरा फैसला बता रही है। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ने एक्साइज कटौती के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों को दीपावली के इस उपहार से न सिर्फ आम व्यक्ति को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक और अधिक राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। यूपी के सीएम योगी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को बड़ा कदम बताया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपए कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि विपक्ष अब भी कह रहा है कि जो कटौती की गई है वो नाकाफी है और सियासी फायदे के लिए की गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। राजस्थान से लेकर बंगाल सरकार ने अभी वैट घटाने को लेकर हिचक दिखाई है। ऐसे में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों के मोर्चे पर विपक्ष कमजोर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।